और बलौदाबाजार जिले में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हेमचंद्र जांगड़े ने बिलाईगढ़ अंचल का दौरा कर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, जहां भड़गांव के रेस्ट हाउस में गौ सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हेमचंद्र जांगड़े ने बिलाईगढ़ अंचल का दौरा कर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, जहां भड़गांव रेस्ट हाउस में जांगड़े का भव्य स्वागत गौ सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान मीडिया से श्री जांगड़े ने चर्चा करते हुए कहा कि वे अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य होने के साथ साथ इस क्षेत्र के निवासी हैं और उनके पिता रेशमलाल जांगड़े प्रथम सांसद ने इस एरिया के लिए सड़क पानी सहित लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए थे और उसी की तरह वे भी अंचल के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। मीडिया द्वारा पूछा गया कि बिलाईगढ़ से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी काम सौंपेंगे उनका निर्वहन करने की बात कही और टिकट मिलने पर चुनाव भी लड़ने की बात कही। आपको बता दें, हेमचंद जांगड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व कई बार मध्य प्रदेश शासन काल में विधायक, मंत्री, सांसद रहे। उनके इस एरिया में सक्रिय होने से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा है कि कहीं हेमचंद जांगड़े विधायक प्रत्याशी की दौड़ में तो नहीं है। जांगड़े भाजपा पार्टी से हैं और उनके पिता भी भाजपा पार्टी से थे और अभी बिलाईगढ़ विधानसभा से भाजपा का सिटिंग एमएलए डॉक्टर सनम जांगड़े है। चुनावी दौर है, ऐसे में भला कोई भी नेता कैसे चूक सकते हैं। अंचल में कई पार्टी क्षेत्रीय प्रत्याशी का मांग कर रहे हैं और जांगड़े इसी अंचल का है तो जाहिर सी बात है उसकी सक्रियता इस ओर इशारा कर रही है। मूल व्यक्ति हूँ, ग्राम पसाडी का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का मैं सदस्य भी हूँ। आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं पूरे छत्तीसगढ़ में मैं दौरा करते रहता हूँ, क्योंकि बिलाईगढ़ से मेरा गहरा नाता रहा है और आज से नहीं वर्षों से मेरा नाता रहा है, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी क्षेत्र से कई बार यहाँ से विधायक चुने गए और सांसद भी रहे हैं, मेरे गृह ग्राम भी है और समय समय पर यहाँ पर क्षेत्र की जनता और यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें मुझे बुलाया जाता है और मैं उनके आग्रह को देखते हुए मैं समय समय पर यहाँ पर पहुँचता हूँ उनके द्वारा बुलाए कार्यक्रमों में और ये मेरा अपना क्षेत्र है। समय समय पर मैं यहाँ पर आते रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो मुझे एक आत्मीयता लगती है और अच्छा लगता है मुझे। बिलाईगढ़ अंचल आपके पिताजी का और आपका भी ग्राम है, आपका क्षेत्र है, तो स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उसकी बहुत स्टैचू वगैरह बनाए हैं लेकिन अनावरण नहीं करने से धूल में तब्दील हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जांगड़े जी की प्रतिमा प्रतीक्षा नगर जो नगर पंचायत का जो प्रतीक्षा बस स्टैंड है नया वाला, वहाँ उनकी प्रतिमा नगर पंचायत के सानिध्य में लगाई गई है और लगाने के काफ़ी दिनों के बाद तक तो मूर्ति पड़ी हुई थी लेकिन अभी 26 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर विकास यात्रा के परिप्रेक्ष्य में आगमन हुआ तो उस समय उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया गया था। ये अलग बात है कि अलग से लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं था लेकिन जितनी भी शिला पट्टिकाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ उसमें नगर पंचायत में जो उनकी प्रतिमा स्थापित है उसका भी लोकार्पण हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। आने वाला कि अभी तो मैं राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य हूँ लेकिन और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरे कोई नया क्षेत्र नहीं है, वर्षों से इस क्षेत्र में हमारा परिवार और मैं स्वयं काम कर रहा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी, मेरे बड़े पिताजी वर्षों तक इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दिए हैं, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे समाज सेवक के रूप में हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में है। अनेक वर्षों तक इस क्षेत्र की निस्वार्थ भावना से मेरे पिताजी ने सेवा की है और मैं भी विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में आता जाता रहा हूँ। पार्टी के लिए और समाज के लिए मैं निश्चित रूप से यहाँ पर काम करता रहा हूँ। अगर पार्टी ने उचित समझा और मुझे यहाँ पर अवसर दिया तो निश्चित रूप से मैं पार्टी का जो भी दायित्व पार्टी जो भी मुझे आदेश करेगी उसका पालन करते हुए निश्चित रूप से मैं यहाँ पर काम करूँगा। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज।